नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पहाड़ी दगड़ी ऑफिशियल में। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले ब्लॉग की ओर। तो आज हम जाने वाले हैं भीमांडेश्वर टेम्पल, जो कि शिव जी का है और वो है अपने द्वाराहाट से 8 किलोमीटर दूर। तो द्वाराहाट से पहले एक तिराहा आता है, उससे एक रोड कटती है सिमलगाँव को, जो PG कॉलेज द्वाराहाट से होते हुए, उसके नीचे से होते हुए 6 किलोमीटर नीचे आपका पड़ता है भीमांडेश्वर टेम्पल। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, सोनू जी और मैं निकले हैं मंदिर के लिए। तो दोस्तों वैसे तो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो थोड़ा टेम्पल में चहल पहल कम है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं और भीमांडेश्वर महादेव के दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं छोटे से शॉट के बाद। कॉलेज द्वाराहाट, यहीं से नीचे को हम जाएंगे जहाँ से हम भीमांडेश्वर महादेव पहुँचेंगे। तो ये है आपका PG कॉलेज। तो दोस्तों हम कॉलेज गेट पे हैं और कॉलेज गेट से भीमांडेश्वर महादेव मंदिर जो है वो 6.5 किलोमीटर होता है। दोस्तों ये जो मंदिर है अपना भीमांडेश्वर महादेव, ये उत्तराखंड की काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिव भक्तों ये गा श्रद्धा का केंद्र है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले स्टेशन में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रह गया है भीमांडेश्वर महादेव। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं। दोस्तों अब यहाँ से भीमांडेश्वर महादेव 1 किलोमीटर रह गया है मात्र। तो दोस्तों चलते हैं और महादेव के दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ये मंदिर की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। अभी थोड़ा श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस वजह से मंदिर में थोड़ी सुनसानी चल रही है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, बहुत ही शानदार मंदिर दिख रहा है बाहर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और अब हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के, ये बहुत ही विशाल प्रांगण यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। तो दोस्तों ये मंदिर का विशाल प्रांगण है और इसी मैदान में जो महापर्व शिवरात्रि होता है, जन्माष्टमी होता है, होलिका चतुर्दशी होता है और चैत्र माह की मसाद को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। तो हम बैठे हैं भीमांडेश्वर महादेव के मंदिर में और यहाँ पर आके बहुत ही शांति प्रतीत हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पीछे आप नदी देख पा रहे हैं, इसमें जो पानी बह रहा है वो, तो उसकी आवाज़ तो दिल को छू रही है सीधे। तो कभी आइए और भीमांडेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए, आपको भी असीम आनंद प्राप्त होगा और महादेव का आशीर्वाद भी।
तो दोस्तों ये हमारे मंदिर का मुख्य द्वार है, प्रांगण के बगल में ही मंदिर के लिए मुख्य द्वार जाता है। तो ये भिवांडेश्वर महादेव का मुख्य द्वार। अब चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। अंदर हम आपको मुख्य मंदिर में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अब जब बिल्कुल शांत माहौल हो रहा है इधर, ये हमारे शिव जी दिख रहे हैं इधर सामने, नंदी दिख रहे हैं, नंदी महाराज। तो मित्रों कभी आइए और महादेव के दर्शन कीजिए। दोस्तों ये मंदिर नंदिनी व सुरभि नदियों के संगम पर स्थित है, जो कि बहुत ही सुंदर जगह पर बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत एक कथा भी प्रचलित है कि बोलते हैं कि इस मंदिर का पता कैसे चला। तो इसके लिए एक कथा है, वो आपको बताता हूँ कि एक गाय थी, वो डेली झाड़ियों में चरने जाती थी और वहाँ पर शिवजी पर अपना दूध चढ़ा कर आ जाती थी। तो ऐसे ही अब दूध वाले को पता चला कि यार मेरी गाय दूध कम दे रही है। तो एक दिन उसने क्या किया, उसके मालिक ने अपनी गाय का पीछा किया तो उसने देखा कि उसकी गाय गई और शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और नदी के किनारे पत्थर की मूरत बन गई। तो फिर इस जो गाय था उसको कपिला गाय के नाम से जाना जाता है। और यहीं अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कपिला कुंड नाम से यहाँ पर एक कपिला कुंड बनाया गया है, वहाँ पर गाय की प्रत्यक्ष बिल्कुल जीवित मूर्ति प्रतीत होती है। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे कि वो कौन सी मूर्ति है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो मूर्ति कौन सी थी। तो दोस्तों मैं जिस कपिला गाय की बात कर रहा था वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये है कपिला गाय और इसी को कपिला कुंड भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल साक्षात गाय खड़ी है यहाँ पे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी कुछ पुरानी कथाएं हैं जो मैंने आपके समक्ष रखी है। ये प्रांगण है हमारा पूरा भिवांडेश्वर महादेव का। नीचे नदी जो कि बहुत ही मधुर आवाज समेटे हुए है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो और मंदिरों के दर्शनों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।